उत्पत्ति अध्याय तेरह इब्राहिम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर पेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दहनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दहनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चून के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैंने तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूली के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उठाकर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई।